इस आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Redmi Note 13 5G फ़ोन है, तो Redmi Note 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कस्टम रिंगटोन्स को सेट कैसे कर सकते हैं Redmi Note 13 5G फ़ोन में, और कैसे आप कस्टम रिंगटोन्स को अपने Redmi फ़ोन में लगा सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि सॉन्ग्स म्यूज़िक वगैरह को कस्टम रिंग फ़ोन के रिंगटोन्स में कैसे लगाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन से ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो कस्टम रिंगटोन्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है। तो सिंपली आपको रिंगटोन सर्च करना है। रिंगटोन जब आप सर्च करते हैं तो डायरेक्टली आप रिंगटोन सेटिंग्स पे चले जाएंगे, जहाँ से रिंगटोन सेटिंग्स पे चले जाना है। इस पे जाकर जो भी आप कस्टम रिंगटोन्स को सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस पे जाना है। फिर रिंगटोन गैलरी पे जाकर जो भी आप कस्टम रिंगटोन्स को सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लस इस पे जाकर आप देख सकते हैं कि जो भी गैलरी से रिंगटोन्स को ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, और ओके करते ही आपके फ़ोन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी रिंगटोन्स को आप ऐड करते हैं यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और बैक करके अपने फ़ोन में ऐड कर पाएंगे। अभी ये ऐड नहीं हो पाई क्योंकि हमने यहाँ से वॉल्यूम को डाउन कर रखा है। अब यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम को अप करते हैं, जैसे यहाँ से आपके पास रिंगटोन वॉल्यूम है तो आप अप कर दिया हमने, और जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से सेट हो जाएगी और कस्टम रिंगटोन्स को आप सेट कर पाएंगे अपनी कॉलिंग्स पे, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कस्टम रिंगटोन्स को सेट कर सकते हैं Redmi Note 13 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।